आचार्य तिकरम जी यादव जी ये कहते थे कि एक रोग के अनेक योग दिए हैं। अब उनमें से आपको किन किन योगों को सेलेक्ट करना है वो आप पर निर्भर करता है। जब मैं पढ़ता था तो एक दिन मैं अपने वैद्य जी से बोला, बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने वैद्य जी एक ही दवा के अंदर इतने अधिक सारे गुण हैं तो तीन चार औषधियों से मैं समझता हूँ सबकी चिकित्सा हो जाएगी, फिर इतने सारे योगों की क्या हो सकता है। वो हंसे, हंस के बोले, पुत्र देखो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है कि 8-10 चिकित्सा योग तैयार कर लीजिए और पूरा औषधालय उससे चल जाएगा, अपितु आपकी बात तो सत्य है कि बहुत ज्यादा औषधियों का गठन क्यों किया जाए। तो मैंने तभी से ये विचार लगा करके गिनती की 20-25 दवाइयों पर, 23-26-27 दवाइयों की मेडिसिन है जिनको मैं समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सा उनके द्वारा कर लू। अब क्योंकि मेरे पितामह भी चिकित्सक थे, मेरे पिता भी चिकित्सक थे, आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे, थोड़ा उनका भी मुझे लाभ मिला है उनके अनुभव का। अभी एक लेडी डॉक्टर MBBS मेरे को दिल्ली में फोन पर कह रही थी कि वैद्य जी आप जो कोई भी मुझे दवाई बताते हैं तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं, नहीं आता। और मैंने ये भी देखा कि हर MBBS डॉक्टर घर में कोई ना कोई आयुर्वेद का चूर्ण चटनी रखी हुई देखी है, और मैंने आपसे कई बार पूछा है तो आप बताते हैं और लाभ करती है। मगर आपके आयुर्वेदिक के चिकित्सकों में, डॉक्टरों में, वैद्यों में संगठन नहीं है जैसा हमारा IMA में है। ये लोग शेयर करते हैं, आयुर्वेद तो आप थे, आयुर्वेद तो संपूर्ण है। तो इसमें जो अनुसंधान करने की मैं बात कहता हूं वो यही है कि आप औषधि योग बना करके उनको रोगियों पर एक्सपेरिमेंट कर लें, एक तरह से योगों को सिद्ध कर लें। क्योंकि युक्ति पूर्वक जब हम औषधि का उपयोग करते हैं तो हानि नहीं होती। अब जैसे वत्सलाम मीठा तेलिया कहते हैं, एक्टिनाइड्स अंग्रेजी में कहते हैं, विष है, लेकिन जब हम इसका शोधन कर लेते हैं और योगों में मिलाते हैं तो अमृत तुल्य है, विष्मुष्टि है कुचला जिसे कहते हैं, जब हम इसका शोधन कर लेते हैं। तो मेरे गुरु थे आचार्य बंसी लाल साहनी, अब तो जीवन दुनिया में नहीं है, वो 50 साल पहले पढ़ाते समय कह रहे थे कि जिस वैद्य के चिकित्सालय में शोधित विपुष्टि यानी के कुचला नहीं है वो वैद्य संपूर्ण है। उनकी बात मेरे दिमाग में आज भी है, और मेरे पास शुद्ध किया हुआ कुचला आधा किलो की मात्रा में हर समय तैयार है। तो मैं आप लोगों को केवल ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी पैथी को लेकर के आगे, अपनी जो आयुर्वेदिक की पैथी है ये अनंत काल से चली आ रही है, सनातन है, काल का कुछ पता नहीं है। ये इतिहासकार झूठे बिना बात कोई कहता, चरक 3,000 साल पहले हुए। अरे इन मूर्खों से पूछो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था कितने लोग उसके अंदर घायल हुए हैं जिनकी चिकित्सा नकुल और सहदेव करते थे, क्योंकि वो कहते हैं अश्विनी कुमारों के मानस पुत्र थे। तो चिकित्सा अनंत काल से चल रही है,
जब रामायण के अंदर आता है कि लक्ष्मण जी को आघात लगने के कारण जो मूर्छा आई, वो लंका के सुसैन वैद्य ने मृत्संजीवनी नाम की औषधि से उनको पुनर्जीवित किया। तो चिकित्सा तो अभी देखिए, भगवान राम का काल तो कई लाख वर्ष पुराना माना गया है, द्वापर में हुए थे, कृष्ण द्वापर में, राम त्रेता में पैदा हुए हैं। तो प्रत्येक युग के अंदर जैसा कि शास्त्र में पढ़ाया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, उसके कुछ समय बाद देखा लोग नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए आयुर्वेद का उल्लेख किया, आयुर्वेद की रचना की। कहते हैं 1 लाख पद थे उसके अंदर, जिनमें से मात्र इस समय 2 से 2.5 हजार पद हमें प्राप्त। थोड़ी टीकाकारों ने इसमें थोड़ी दिक्कत पैदा कर दी है, यवनों के आक्रमण के कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा, ऐसी स्थिति में शास्त्र का लोप हुआ, और जिन आचार्य और शास्त्रियों को शास्त्र का ज्ञान था उन्होंने उसे दोबारा से कुछ समय बाद लिपिबद्ध किया। संभवतः व्याकरण के कारण कुछ त्रुटि आ गई है, ऐसा मेरे आचार्य वंशीधर चतुर्वेदी जी कहते थे, जिन्होंने मुझे वाचस्पति कराया था PhD 40 साल पहले। वो कहते थे कि बेटा इसमें मायद है ना, कुछ त्रुटि आ गई है। वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ये कहिए संस्कृत की चलती फिरती डिक्शनरी थी, इस दुनिया में वो नहीं है, बस एक गुरु बचे हुए हैं जो लगभग 90 वर्ष के हैं, जो उस समय युवा थे। समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, फोन पर कुछ अटक जाता हूँ तो उनसे विचार विमर्श आज भी करता हूँ। ये ऐसी विद्या है इसमें आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता एक जीवन के अंदर। आदमी ये सोचा है मैं एक जीवन के अंदर आयुर्वेद में संपूर्ण हो जाऊंगा, मुझे नहीं लगता। इन 50 सालों में काफी अध्ययन किया है, चिकित्सा की है, कई बार कई रोगी इस प्रकार के आते हैं कि वो सोचने में मजबूर कर देते हैं कि कौन सा योग इसके लिए ज्यादा उत्तम, स्वर्ण गति योग दूं या बिना स्वर्ण गति योग, कई बार सोचने में मजबूर कर देते। तो मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शास्त्र में तो एक रोग के अनेक योग हैं, चुनना आपको है। मैं तो अपना अनुभव आपको साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बता दूँ। अगले धीरे धीरे मैं आपको रोगी देखना, निदान करना, उनकी आगे की स्थिति आपको समझाऊंगा। अभी ये मैं कुछ औषधियों का निर्माण पहले आपको सिखा रहा हूँ, कुछ औषधियों का निर्माण करना आवश्यक है। हाथ से बनाई गई औषधियाँ ज्यादा उत्तम होती हैं। और कोई छात्र कुछ पूछना चाहता है?